देखिए कराची में 1960s, 70s, even 80s तक, मिड 80s तक अगर आपको याद हो तो जो स्ट्रीट लाइट का खंबा होता था उसके ऊपर एक व्हाइट कलर के चौक से या पेंट से एक नंबर पड़ा हुआ होता था, वो बेसिकली स्ट्रीट लाइट का एड्रेस होता था। अच्छा अब क्या हुआ, और मतलब जब 1985 के बाद एमपीएम आई कराची के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट ये वो हर जगह पे मोस्टली एमपीएम के झंडे पेंट हो गए। अच्छा जब वो पेंट हुए तो उसका नुकसान क्या, उसका नुकसान ये हुआ कि पहले जब केएमसी बिजली के बल्ब और चौक मंगाती थी स्ट्रीट लाइट के लिए तो जो एक्सीएन होता था इलाके का वो एक लिस्ट बना के भेजता था कि जनाब यहाँ पे बल्ब की जरूरत है, यहाँ पर चौक की जरूरत है, वो स्ट्रीट उस खंबे के एड्रेस के साथ भेजता था। अच्छा अब जब खंबे पे पूछी फिर गई तो अब उस बिलो जो प्राइस है, यानी फिलिप्स बनाया करते थे, फिलिप्स की जो होलसेल प्राइस थी उससे 20-30% कम पे ठेकेदार केएमसी को ऑफर करता था, 2000 बल्ब 500 चोक्स आए, वो एक्सचेंज में बढ़ गए, वो वापस वैसे ही आए दोबारा से इसमें स्टोर में चले गए, तो पार्ट शिपमेंट अलाउड बिलो द मैन्युफैक्चरर्स प्राइस कराची के अंदर, कराची शहर जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों का शहर बन गया।